हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, जिन लोगों का IBPS PO में, क्लेरिकल में और SO में सिलेक्शन हुआ है, एक क्वेश्चन कल मैंने देखा, काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि सर ज्वाइनिंग कब तक होती है। तो देखो गाइस, जो आपका DB होता है ना, DB का प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह, ये सब जिस दिन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, सेम डे आपको DB के बाद में जो ब्रांच का ज्वाइनिंग लेटर है या लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है, ये आपको दे दिया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली कई बार ऐसा केस भी देखा जाता है कि जैसे आज आपका DB हुआ और सेम डे आपको उन्होंने जो ज्वाइनिंग लेटर है वो दे दिया, और कल आपको जाकर रिपोर्ट करना है ब्रांच को, ठीक है। तो ये कल जो लास्ट ईयर क्लेरिकल कैडर था, इस तरीके से बहुत लोगों के साथ हुआ था कि उनको उनका आज जो है DB हुआ और कल उनको ब्रांच में जाकर रिपोर्ट भी करना है। हाँ, ये जरूर है कि ब्रांच में जाकर आप एक बार रिपोर्ट कर लेते हो, उसके बाद आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल जाता है ताकि आप PG में शिफ्ट हो जाएं, अपना फ्लैट वगैरह ले लें, ताकि आप अपना एकोमोडेशन का कोई भी एक अल्टरनेट जो है वो वहां पर निकाल पाए। बट ये बहुत बार देखा गया है कि ब्रांच में आपको जैसे आपका DB आज होता है तो नेक्स्ट डे आपको रिपोर्टिंग करा दी जाती है, आप ब्रांच ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद फर्दर आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन वो लोग दे देंगे, शायद 2-3 दिनों का, ताकि आप अपना सामान और रूम वगैरह इन सब चीज़ों को शिफ्ट कर पाएं। तो ज्वाइनिंग सेम डे है, DB होने का इंतजार करिए, अभी मेल वगैरह आएंगे, आपकी डेट डिसाइड होगी, किस डेट को आपको फर्दर जाना है, वो सारी चीज़ें आपसे अब IBPS जो है मेल के थ्रू कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। सो अभी जो भी आपको टाइम मिल रहा है, इसको आप इंजॉय करें और अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी बाकी सारी चीज़ें आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। बाकी मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि कैसे कैसे अब आगे के जो मूव हैं वो आपके होने वाले हैं। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, ताकि और लोगों को भी थोड़ी सी यहाँ पर हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।